तो आज हम देखेंगे जो महिंद्रा वेरिटो डीजल वर्जन गाड़ी है इसका इजी आर जो है वो कैसा होता है और जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग किस टाइप से किया जाता है, क्या इजी आर क्लीन करना भी अनिवार्य है, क्या इजी आर जो ब्लॉक रहता है क्या उससे हमारा पिकअप में और माइलेज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या ब्लैक स्मोक आता है। तो जी हाँ, तो आप लोग देख लीजिए, ये महिंद्रा वेरिटो का इजी आर है जिसको मैं अभी डिसमेंडल किया हूँ, मतलब पूरा पीस पीस किया हूँ पार्ट्स को, और यहाँ पे देखने में लगा तो जो आप शायद इसको बोतल भी बोलते हैं जिससे इसमें एयर को ये एयर अंदर भर के भरने के बाद जो इसका कार्बन है तो इसके अंदर जो है हवा जाता है और जितना भी मतलब पिकअप बनाने का रहता है ये इसके अंदर से जो है कन्वर्ट करके पिकअप को रिलीज करता है तभी गाड़ी में जो है पिकअप बनाता है। तो यही अगर ड्राई नहीं रहेगा, यही अगर क्लीन नहीं रहेगा तो पिकअप कहाँ से आएगा भाई। बोलेगा कि भाई कल ही क्लच प्लेट डाला, पिकअप नहीं है, सब कुछ सही है लेकिन पिकअप क्यों नहीं है, ब्लैक स्मोक क्यों आ रहा है, तो ये इसके वजह से आ रहा है भाई। इसको क्लीनिंग करना पड़ेगा आपको, पूरा इस बॉटल में देखिए भरा है और इसके अंदर का जो एक छोटा सा वाल होता है जो पुश करते हैं ना तो उस कंडीशन में क्या होता है इजी एयर का जो वाल है वो ओपन होता है, तो आपको दिखाता हूँ उसमें भी पूरा कचरा भरा हुआ था। तो ये है हमारा छोटू जो क्लीन कर रहा है, काफ़ी देर से इसके अंदर से कचरा निकालने का प्रयास कर रहा है, ये देख सकते हैं यही वाल है भाई ओपन करता है। तो क्लीन करो, अगर ये सही से क्लीन नहीं रहा तो गाड़ी का जो एक्सलेशन है वो क्लीन सही से काम नहीं कर सकता है। अच्छा से क्लीन करो छोटू, बिल्कुल नया दिखना चाहिए। हाँ सर, मार हमारा छोटू, और इसको चलता हूँ मैं क्लीन करता हूँ भाई, नहीं तो देर हो जाएगा थोड़ा क्लीन करने में, ये क्लीन करना अनिवार्य है भाई। ये क्यों ऐसा ब्लैक तो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें कार्बन रहता है तो ब्लैक मतलब ड्राई रहता है कार्बन, आखिर गया क्यों। तो इस गाड़ी का जो है हम लोग इंजन खोले हैं और इंजन का क्या हुआ, रनिंग में जो है टर्बो कट गया, टर्बो के अंदर टर्बाइन और टर्बो का कोर लगा हुआ होता है फैन, वो कटने की वजह से है जो पिस्टन पर भी ये ऑयल चला गया और पूरा इसका जो है जितना भी पाइपलाइन है हवा का ऑयल का एयर का पूरे अंदर से उसके अंदर अंदर ऑयल चला गया, उस कंडीशन में क्या हुआ पूरा गलीज हो गया। तो आइए इसको अच्छे से क्लीन करते हैं भाई। इस गाड़ी का भाई इजी एयर खोला हूँ, ये इजी एयर वाल है, इसमें देखिए पूरा डस्ट कितना भरा हुआ है, ये पूरा कार्बन है, मतलब कार्बन का ही। अगर आप एयर फिल्टर सही से अगर आप एयर फिल्टर जो है टाइम टाइम पर क्लीनिंग नहीं करवा रहे या तो चेंज नहीं करवा रहे उस कंडीशन में जितना भी डस्ट रहता है एयर फिल्टर का वो पूरा इसके अंदर चला जाता है, देख सकते हैं पूरा डस्ट भरा है। तो इसको मुझे क्लीन करना है भाई, बाकी यहाँ पे है इजी एयर तो इसको क्लीन करके चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या है। यूट्यूब से देख देख के बहुत दूर दूर से भी आता है इसके अंदर भाई कार्बन है या नहीं। ओ तेरी भाई, इसमें पूरा भरा है देखिए, ये इजी एयर का हाल कैसा हो गया भाई, देखिए इसको छूना तो नहीं चाहिए फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं इसको टच कर रहा हूँ, और ये फुल ड्राई रहता है तो पूरा गीला गीला है ना, देखिए फुल ड्राई रहता है भाई ये, तो इसको अच्छे से क्लीन, क्या गाड़ी में पिकअप आएगा क्या रहेगा भाई, माइलेज तो नहीं बोल सकते, पिकअप तो है पिकअप और ब्लैक स्मोक फुल भर भर के आता रहेगा शायद गाड़ी में, पूरा भरा है भाई। मेन सिर्फ और सिर्फ ये होता है जब भी इसका फॉल्ट आता है तो आप स्कैनिंग कराएंगे तो इसका जो है फॉल्ट कोड दिखाता है इसका, तो ये होता है। तो इसको डालने के लिए पहले पैकिंग डालें, पैकिंग डाल के फिर इसमें जो है आराम से इसको प्रेस कर देना है, देखिए फाइनल टाइट हो गया। बाकी इसका एक बोतल है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं वो बताइएगा, हम तो इसको बोतल ही बोलते हैं जिसमें एयर को रिजर्व करता है फिर पिकअप जो है पिकअप बनाता है। इसमें पानी का भी कनेक्शन है और हवा का भी कनेक्शन है, पानी क्या कम करता है तो हवा जो गर्म होता है उसको ठंडा करता है भाई। इसका पैकिंग है उसमें अनावरण लगाना अनिवार्य है क्योंकि इसका जो पैकिंग है मतलब जो इसका इजी एयर है उसमें पानी का भी कनेक्शन है और हवा का भी कनेक्शन है, अगर हम इसमें अनावरण नहीं लगाते मतलब गम नहीं लगाते हैं ठीक है चिपकने वाला तो लीकेज होने का संभावना बढ़ जाता है। इसके लिए आप जब भी इसको खोल रहे हैं इसमें गम जो है चिपकने वाला गम जरूर लगाएं, ये दोनों पाइपलाइन है ठीक है पानी का, इधर से एक से जाता है एक से रिटर्न बाहर आ जाता है तो इसमें जो है गम लगाना बहुत ही ज़रूरी है।
ये सब यहाँ गोल गोल रखिए जी राधा। तो आइए अब इसको फिटिंग करने चलते हैं। बाकी जो पूरा है अच्छे से असेंबल हो चुका है, गम गिम लगा के मस्त इसको टाइट किया हूँ। जैसे पहले था उस तरह तो नहीं कर पाया हूँ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले जो था पूरा ऑयल से है और कार्बन पूरा भरा हुआ था, तो ऐसा कौन करता है भाई। पूरा अच्छे से क्लीनिंग कर दिया और फिटिंग जो है पहले से अच्छा किया हूँ। इसका एग्जस्ट मैं ऑलरेडी मैं पहले जो है वाटर सर्विस में जाके थोड़ा इसमें वाटर मार दिया हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी पूरा जो है ऑयल जा के पूरा भीगा कार्बन को बना दिया था। थोड़ा इस वाले में अडजस्टर टाइप बनाया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा आगे पीछे करके आपको पूरा बोल्ट को जो है टच कर लेना है, उसके बाद जो है इसको आप टाइट कर सकते हैं। तो पूरा बोल्ट जो है अपने अपने जगह पे स्थाई से भाई बैठा दिया हूँ और इसको टच करना है नीचे तक सबको। ये मैं डाली ना जाएगा। इजी आर तो कम्प्लीट हो गया और एक बचा है मेन पाइप जो ऑयल को सप्लाई करता है टर्बो में, और टर्बो जो सप्लाई करता है वो बोर में जाता है। तो ये जो पाइप है अभी फिटिंग करना सही रहेगा, तो इसको चलिए फिटिंग करते हैं और इसका लोकेशन बताते हैं कहां से कहां पाइप आएगा। ठीक टर्बो के नीचे से जाके टर्बो के ऊपर यहां पे लगेगा और बाकी यहां पे जो स्प्रिंग वाला पाइप है वो ठीक टर्बो में टाइट करना है। तो मैं रबर है